जी शेर मोहम्मद शेर मोहम्मद साहब तो मैं इलाका का शेर है जी। बाथरूम ही थारे दर बने नहीं बाथरूम बने हुए थे तो उन पता खुद ही लग जाए तुम ये तो है कि कोड़ा बाथरूम देख सके तुम आप खुद कच्ची कोठी पर खड़ा भी याद है बिल्कुल ही इलाका का तुम शेर है ना जनाब जनाब का थारे से मारा को कोई कागज लिया था आज तक पैसा कोई नहीं मिले कागज कद लिया था कागज ना चार महीना होया चार महीने हो गए हाँ थारा इलाका को सरपंच कौन सरपंच फारूक इनकलाबी वार्ड नंबर केड़ी है वार्ड नंबर 8 है मोदी जी ने चाचा जी मोदी जी ने बाथरूम वास्ते पैसा दिता था मारा तोड़ी नहीं पूछे पैसों मारा तोड़ी नहीं पूछे 3000 वाला अच्छा वे गंदगी वाला खड्डा वे और बाथरूम आवना कोई तो बाथरूम वास्ते भी सरकार ने 12-12000 रुपए दितो तो तुम के जी मारी लाइट नहीं है लाइट खंभा देखो तुम नहीं है खंभा पूरा नहीं पूछा आवने इस पर तो सारा मरीज जे कर लाइट आन लाइए लाइट पिए पे भी है राजौरी जिला का कोटरंग का इलाका कंगोट पंचायत के आज भी ऐसे मकानात जो कच्चे हैं सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं कोई पक्का मकान इस पंचायत कंगोट की वार्ड में नहीं है हम मुतलका लोगों से बात करेंगे कि सरकार ने पैसा तो दिया था आपके घरों में बाथरूम क्यों नहीं बना बाथरूम था लबो नहीं बाथरूम कोई नहीं लबो जनाब खड्डा वे आया था खुने था कोई बाथरूम भी नहीं था वे इसका आया था वे 2-2000 वाला करके 20-20000 वाला वे दसें था कि 3000 वाला वे गंदगी वाला खड्डा शायद अकवाल ने सुनी थी हमने कि यार रोड हमने दीती हुई है जावेद साहब ने भी रोड दीती हुई है बाजी साहब ने भी यार रोड दीती हुई बाकी वही लोग मुड़ गया उन गार्डन फरास्टर ने फोन करें फिर फरास्टर के जी हमने फलाना फोन कर गया या जंगलात है 20000 रुपये मेरा को दिता गया गार्ड साहब अपने नाम किया गार्ड गार्ड को हबीब शाह गार्ड चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन आज अब दूर दराज इलाका जिला राजौरी के कोटरंग का कंगोट पंचायत में मौजूद है जहाँ पे मुतलका सरपंच के साथ साथ यहाँ पे डीडीसी बीडीसी साहिबान का भी दावा है कि हर घर पक्का हो चुका है हर घर में बाथरूम बन चुका है मरकजी सरकार से लेके जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से भी दावे लगातार जारी हैं इस सब पे हम मुतलका लोगों के साथ बात करेंगे कि आपके घरों में बाथरूम बने क्या आपके घर पक्के बने अगर बने नहीं हैं तो सवाल का जवाब सरकार देगी आप भी कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं कि इलाका के लोगों का आज जो खस्ता हालत है तो उसका जिम्मेदार कौन है जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सियासी लीडरान की तरफ से भी बयानात तो सामने आते हैं लेकिन ग्राउंड हकीकत क्या है वह हम आपको जो तस्वीरें बता रहे हैं इन तस्वीरों में है कि राजौरी ज़िला का कोटरंग का इलाका कंगोट पंचायत के आज भी ऐसे मकानात जो कच्चे हैं सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं कोई पक्का मकान इस पंचायत कंगोट की वार्ड में नहीं है हम मुतलका लोगों से बात करेंगे कि सरकार ने पैसा तो दिया था आपके घरों में बाथरूम क्यों नहीं बना आपका नाम क्या है जी मनीर हसैन नाम जी मनीर साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो पैसा दिता था तुम मकान पक्को बनाने वास्ते तो तब नहीं ओके कि मकान पक्को क्यों नहीं बनायो पैसा हमने नहीं मिला क्यों नहीं लगा मारा को कोई कागज लिया था आज तक पैसा कोई नहीं मिले कागज कद लिया था तेरे को कागज ना चार महीना होया चार महीने हो गए हाँ थारा इलाका को सरपंच कौन है सरपंच फारूक इनकलाबी वार्ड नंबर केड़ी है वार्ड नंबर 8 है वार्ड नंबर 8 है हाँ इसमें 50 कार हैं 50 कार ना कोई बाथरूम काए सड़क काए गल नहीं तो हमना नाके दसो तो चाचा तुमने मनीर हसैन यह मनीर हसैन का कहना है कि हमें कोई घर यहाँ पे पक्का नहीं दिया गया है मनीर हसैन के घर में कोई बाथरूम भी जहाँ नहीं है जहाँ सरकार की तरफ से इंतजामिया की तरफ से ये दावा तो जरूर है कि हर घर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बन चुके हैं लेकिन असलियत और ग्राउंड हकीकत यह है कि कोई भी बाथरूम नहीं बना शायद कागजों तक ही महदूद और दफातर तक ही वो चीज़ें महदूद रह चुकी हैं पैसा भी मुतलका महकमा ने निकाल लिए लेकिन लोगों तक पैसा नहीं पहुंचा आपका नाम क्या है मकबूल हसैन मकबूल साहब तब ना को बाथरूम ही है लबो नहीं प्रधानमंत्री मोदी साहब ने क्यों थो कि ये तो जरा बाथरूम बनेगा
ते बाथरूम पक्का मकान था तब ना केल के लब वाला या गल दसो जनाब हमने एक किस्त पे ही है 50,000 की जिसको कह रहे जे हमना लग जाए उसमें 30,000 पियो चार्ज गड्डी को और रोड भी मारी बंद है इस टाइम रोड भी हमने ट्रैक्टर की बहुत मुश्किल है क्योंकि हम रात जगह ट्रैक्टर ले आवा तैड़ी लोग नहीं आन देता तो बाथरूम थारो लबो नहीं बात कोई नहीं लबो जनाब खड्डा वे आया था खुने था कोई बाथरूम भी नहीं था वे इसका आया था वे 2,000 वाला करके 20,000 वाला वे दसें था कि 3,000 वाला वे गंदगी वाला खड्डा वे और बाथरूम हमने कोई तो बाथरूम वास्ते भी सरकार ने 12,000 रुपये दी तो तम के जी हमारी लाइट नहीं है लाइट खंभा देखो तम नहीं है खंभा पूरा नहीं पूजा हमने इस पर तो सारा मरीज जे कई बार लाइट आने लाई है लाइट पिया पी भी है थारो क्या नाम जनाब मोहम्मद कासो थारे घर में बाथरूम है नहीं बाथरूम नहीं है क्यों बाथरूम दिते नहीं गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने दिता वे अल्लाह के बंदे हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैसा दिता अफसर ने क्यों बीडीओ ने क्यों डीसी ने क्यों के सारे घर बाथरूम बनने चाहिए थारे घर नहीं बनया पुजिया ही नहीं मारा थोड़ी अच्छा थारे थोड़ी पुजिया ही नहीं बाथरूम ना के दसो तुमने मोहम्मद कासो तो पंचायत को ना के थारी वो केवल केवल ये पंचायत केवल की है हालत है और लोगों का कहना है कि कोई बाथरूम यहाँ पे नहीं बना पक्का मकान जो है वो नहीं है आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं यहाँ हमने तस्वीरें दूर से कैद की है कि इलाका के लोगों के घर पक्के हैं या कच्चे हैं तो साफ आया है कि घर जो है वो पक्का नहीं है कच्चे मकान है सरकार के जो दावे हैं वो अभी तक जो है वो खोखले हैं थारो के नाम थारे कार भी बाथरूम बने हो नहीं बाथरूम नहीं है सर हमने पिछले साल फाइल दी थी गुलाम साहब था यहाँ का GRS गुलशन वो रहने वाला और हमारा ब्लॉक बुद्दल पड़ता है उनको वहाँ मैं गया तो उनको बोला मैंने यार मैंने फाइल दी थी तीन फाइल दी थी तो मेरे से 1,000 रुपया ले गया था आदमी तीन बाथरूम कितना दिन एक साल हो गया सर एक साल हो गया है जब हम वीडियो के पास जाते हैं वीडियो साहब बोलते हैं सर आपका काम हो जाएगा आप पंचायत में जाओ आपको वहाँ गुलाम साहब का आएगा आपका सरपंच आएगा आपका नायब सरपंच आएगा तो आप वहाँ जाओ तो आप वो करेंगे जब हमको पता ही नहीं होता है वो आते हैं पंचायत में पंचायत घर में वो फोटो बनवाते हैं वहीं कुछ लिखते हैं तो चले जाते हैं हमको जब पब्लिक को पता नहीं है तो वहाँ क्या करेंगे पब्लिक खाली फोटो और खाली साइन आप खुद मार के चले जाते हैं वो बस अगर कुछ लिखाएंगे यहाँ कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है तो वहाँ देखेंगे वो वहाँ प्लान होता ही नहीं है वहाँ प्लान अलग से होगा शुक्रिया थारो के नाम जी शेर मोहम्मद साहब तो मैं ये इलाका का शेर है बाथरूम ही थारे दर बने नहीं बाथरूम बने हुए थे तो उन्हें पता खुद ही लग जाता ये तो है कि कोड़ा बाथरूम देख सकी तो मैं खुद कच्ची कोठी पर खड़ा भी याद है बिल्कुल ही के इलाका का तो शेर है ना जनाब जनाब का थारे से वाह शेर का आत्मा आते ही सुनो मोदी जी ने बाथरूम वास्ते पैसा दिता था मारा थोड़ी नहीं पूछे पैसों मारा थोड़ी नहीं पूछे क्यों नहीं पूछो पैसों तो पैसों नाला मारी एक रोड आवे थी या को 2 किलोमीटर वह कल ती पीछे बंद की हुई है हमने इतनी खजली हुई हुई है ईद पत का गेम चला करा का पार्टी चला करा रा कल दिन भी ईद गार्ड द फराशनान पूजिया के पाई ये हमने नहीं लगन देनी भी अगर कोई लोग कह करे कि यह जगह जंगल है मारी जिस जगह के बीच आम आ या जगह मारी मालकी है तो जंगल वास्ते सरकार ने क्यों बना खुद हम ही सोचेंगे पेरी नाड़ जो रोड लगी तो वो जंगल नहीं है तीमन बिच रोड लगी तो यो जंगल नहीं तो केड़ी मालकी थी इसके बीच लड़कुती के बीच बीच मालकी रहेगी ना आज मारा वास्ते आई भैन चो कुल जंगल ही हो गए मारा वास्ते गेम बन गई उपरू पता नहीं किसी मिनिस्टर की बनी देसी लोगों की बनी एक ही कोई नहीं हूं डीडीसी गल कर हम अनपढ़ लोग हमने के डीसी जो कर शायद अकवाल ने सुनी थे हमने के यार रोड हमने दीती हुई है जावेद साहब ने भी रोड दीती हुई है बाजी साहब ने भी यार रोड दीती हुई बाकी वही लोग मुड़ गया उन गार्डन फरास्टर ने फोन करें फिर फरास्टर के जी हमने फलाना फोन कर गया या जंगलात है इसके इसका काम सियासी शिकार है यार हाँ हम के सियासी शिकार है सियासी शिकार बिल्कुल थारो के अल्ताफ सिंह ना जी अल्ताफ सिंह थारे कार भी बाथरूम बने नहीं जी पढ़े लिखे तो हम जी पढ़े लिखे तो बाथरूम तो थारे कार जरूर बाहू ना बाथरूम बने हो जी बने हो जी जी सरकार ने दिता पैसा जी पैसा दिता बाथरूम जी जी अच्छा तो केड़ी वार्ड है थारी हम पंचायत शाहपुर में वार्ड नंबर 2 बीच तो तुम शाहपुर पंचायत जी जी यह पंचायत केड़ी है या पंचायत 8 है केवल पंचायत केवल वार्ड नंबर 8 पंचायत केवल थारे कार बनी हुई जी चलो मुबारक हो आपका नाम
अल्ताफ हुसैन के घर जो है वो बाथरूम बना है, पहला शख्स जो है वो हमें मिला है और वो शाहपुर पंचायत में कि उसके घर जो है वो सरकार का पैसा थोड़ा सा लगा था। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद शबीर है, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप यहाँ दूर दराज इलाके में आए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा पंचायत हमारी शाहपुर है, ये पंचायत कंगोटा है, हम यहाँ के सरपंच जो है फारूक इनकलाबी साहब हैं और हमारे सरपंच जो है वो लियाकत मलिक साहब हैं। बल्कि आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ कितनी तरक्की हुई है, यहाँ गवर्नमेंट तो दे रही है 10,000 रुपये, पंचायत में भी नहीं तरक्की हुई, कुछ नहीं हुआ सर, आप देख सकते हैं ना, ये पंचायत हमारी है यहाँ सामने, बाथरूम बने हुए, बाथरूम बना 10,000 रुपये में, वहाँ मैंने 1,00,000 रुपया खर्चा किया, 10,000 रुपये में यहाँ बाथरूम बन सकता है, आप खुद ही बता सकते हैं, वो भी एक साल के बाद 10,000 रुपये में मिलता है, थोड़ी मदद तो लगी, 10,000 रुपया मिला है, मगर वो भी 10 चक्कर लगाने के बाद, 20 चक्कर लगाने के बाद, उतना तो किराया लग गया यहाँ से कोटरंगा जाने के लिए। जी जी, उसने भी आ गया, ये गार्ड साहब बंद कर छोड़े, बाथरूम बने या पक्को मरने, ये नहीं बना देता अभी, हम बिला शक कदे हमारा मकान आ भी जाए, बाकी जी गार्ड साहब और ये उन्होंने बन दिया, कदे थाना मुलाकात होई है नहीं? बिल्कुल मुलाकात होती रही है, 20,000 रुपये मेरा को दिता गया गार्ड साहब, अपने गार्ड को हबीब शाह गार्ड, हबीब शाह गार्ड साहब, वो कहा 20,000 रुपये, 20,000 रुपये मेरा को देते हो ना, मैं यह कोठी बनाई है बाहर से, आहो दाम बनावा में किस तरह बना देता ही नहीं, बनावा किस तरह खड़ा हो जी आन का भाई, पक्को नहीं बनाना, कचो नहीं बनाना, बात बाथरूम तो बाथरूम बना लिया, अपने कैमरामैन से कहूंगा ये पूरा घुमा के दिखाएंगे, ये पूरे जंगल में एक जगह लाल टीन वाला मकान दिख रहा है, मुबारक की बात हो, लेकिन वहां के शख्स का भी ये कहना है कि 20,000 रुपया जनाब यहाँ के जो गार्ड साहब है उन्होंने ले लिया है, और इस जंगल में आपको किसी भी सूरत में यहाँ पे पक्का मकान नहीं मिलेगा, सब कच्चे मकान, यहाँ पे कोई यहाँ पे बाथरूम नहीं मिलेगा, और ये पंचायत केवल की कहानी हम जो है वो इस वक्त आपको बता रहे हैं, हमारा किसी के साथ कोई ज्याती या सियासी जो है वो ये नहीं है, लेकिन हम ये कहना है कि सरकार की तरफ से जो दावा किया गया था कि यहाँ पे हमने जनाब बाथरूम लोगों को घर घर पे दिए हैं, लेकिन सबके घर कच्चे, सबके घर जो है यहाँ पे बाथरूम नहीं है, एक शख्स हमें इस पूरी वीडियो में, इस पूरे इंटरव्यू में, इस पूरी कन्वर्सेशन में मिला, जिसके घर जो है वो भी पंचायत शाहपुर का, जिसके घर जो है वो बाथरूम बना है, इस सब पे हम बात करेंगे, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जनाब अजाज चौधरी साहब जो है, जी जी जी, रोड की, ये रोड की, रोड को मसलो ये कि रोड मारी होनी चाहिए, रोड तो हो जाएगी ना, और होनी नहीं देता भी, रात भी गार्ड का फराश उठे बैठा रहा, कह रहा मशीन पटा ली भी है उन्हें, रोड मारी लगनी नहीं दिया करता, बैठा रहा जेड़ा लोग आया, उन्हें फ्रेश गार्ड ना फोन कर गए, मशीन बंद कर छोड़ी, ते कल तेड़ी बैठा हम, आज तेड़ी भी बैठा, ते हूँ जावेद साहब ने है फोन किया, तो उसने क्यों मैं फ्रेश ना फोन करूँगो, ते उस ना रिंजल साहब नाल मिलाऊंगो, किस ना उस ठेकेदार ना, ते फिर कल ते पीछे मशीन लावांगा जेकर कोई समझौता होयो। चलो शुक्रिया, हम यहाँ पे अजाज साहब से बात करेंगे, अजाज साहब कैसे देखते हैं, सरकार का ये कहना है कि तब्दीली आई है, हर घर में बाथरूम बने हैं, हर घर पक्का बन चुका है, हर घर में सड़क जा रही है, लेकिन इस दूर दराज इलाका ये केवल पंचायत और वार्ड नंबर 8 आज भी माफ कीजिएगा कंगोटा जो वार्ड है, अपर कंगोटा वार्ड नंबर 8 में आज तक भी जो है ना सड़क है, ना यहाँ पे कोई हेल्थ फैसिलिटी है, ना यहाँ पे कोई प्राइमरी स्कूल है, ना यहाँ पे बिजली की कोई प्रॉपर तौर पे सहूलत है, तो कैसे देख? बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो यहाँ पे एजुकेशन का कोई सिस्टम सेटअप नहीं हुआ आज से पहले, ना ही यहाँ पे कोई स्कूल बना, ना ही कोई एजुकेशन का सिस्टम सेटअप हुआ, जिसकी वजह से ये लोग पढ़ नहीं पाए, पढ़ने के बाद इन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमारे पास क्या आ रहा है, क्या गवर्नमेंट हमारे लिए हमें दे रही है, क्या नहीं दे रही, उसका ये रीज़न है कि उस नॉलेज ना होने की वजह से जो यहाँ पे इम्प्लाइज़ हैं वो इनसे करप्शन लेते हैं, जैसे गार्ड हो गए घर नहीं बनने देते, पैसे लेते हैं, डिपार्टमेंट का कोई भी फंड आता है इनको समझ नहीं आती, वो अपने तरीके से सेटल कर लेते हैं, वो पैसा हड़प्पा जाता है और इन लोगों तक नहीं पहुँचा जाता, फिर आ जाके इन लोगों पर जुल्म होता है, इनकी ना ही रोडें बनती हैं, ना ही इनके घर में घर बन रहे हैं, ना ही बाथरूम है, ना ही बिजली है और सिलेंडर गैस कोई फैसिलिटी यहाँ पर इनको गवर्नमेंट की नहीं है,
बिल्कुल जुल्म हो रहा है इनके साथ और ना ही इनकी कोई आवाज़ सुन रहा है। और एक ही ये रीज़न है कि आज भी यहाँ पे एजुकेशन का कोई सिस्टम सेटअप नहीं है कि ताकि इनके बच्चे पढ़ें और पढ़ के कल वो ये बात समझे कि गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है क्या नहीं दे रही है, उस चीज़ का फ़ायदा हो। उस चीज़ से भी ये आज की डेट में भी स्कूल से रोड से गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम से परे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि इन लोग मुतलका लीडरान को क्या कहेंगे जिन्होंने जिनको अवाम इलाका की अवाम ने जो है वो नुमाइंदगी दी कि आप हमारी फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, उन लीडरान को क्या मैसेज देना चाहिए? उन लीडरान को मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आपने इन लोगों के साथ वादे किए हैं, इनसे वोट लिए हैं, इसी नाम पे वोट लिए हैं कि हम आपकी तरक्की करेंगे, आपके बच्चों का फ्यूचर देखेंगे, स्कूल्स बनाएंगे, तो उनको ये वादे पूरे करने चाहिए। ठीक है, जो अवाम से वादे किए हैं और अवाम का ख्याल रखा जाए, ना कि सरकार अवाम सिर्फ सरकार बनाने के लिए है या आपको कुर्सी पावर में लाने के लिए है। अगर वहीं तक है तो ठीक है, अगर नहीं, अगर लोगों के साथ आपका व्यवस्था है, लोगों की तकलीफ़ आप समझ रहे हो, तो इन लोगों के मसले मसाइल हल किए जाएं और एडमिनिस्ट्रेशन को बोला जाए कि आपने लोगों को बोला जाए कि इन लोगों का काम किया जाए। अगर इन लोगों को किसी चीज़ की नहीं नॉलेज है तो इनको बताया जाए, वो इनको ना नॉलेज होने की वजह से वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, इनकी शराफत का और इनकी नॉलेज ना होने की वजह से इन पर जुल्म हो रहा है और इनके साथ गलत हो रहा है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एजाज अहमद चौधरी साहब, जिनका ये कहना है कि यहाँ पे तालीम का बहरान यानी कि उसका फुकदान, यहाँ पे तालीमी अदारों का फुकदान होने की वजह से इलाके के लोग जो है वो यहाँ पे अपनी तालीम जो है वो आगे बढ़ा नहीं सके और उसके बाद जो है वो लोगों को काफ़ी मुश्किलात का उसी चीज़ का जो है वो आज भी मुश्किलात उठान करनी पड़ रही है। यहाँ पे इलाके के लोगों को लूटा जाता है, महकमाल के लोग जो हैं वो रिश्वतखोरी के नाम पे पैसे जो है वो वसूलते हैं। अगर कोई मकान बना रहा है, अगर कोई बाथरूम बना रहा है, अगर कोई जंगल से पैदल चल रहा है तो तब भी पैसों की मांग होती है, ऐसा इलाके के लोगों की तरफ से इल्ज़ामात हैं। लेकिन सवाल यह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से पैसे तो दिए गए, अहकाम जारी किए गए कि हर घर में बाथरूम बनेगा यानी कि शौचालय बनेंगे, तो फिर ज़िला राजौरी के केवल पंचायत कंगोट अपर की वार्ड में अब तक कोई बाथरूम क्यों नहीं बना है, अब तक कोई घर पक्का क्यों नहीं बना है? जे अगर किसी ने अपना पैसा वसूल अपना पैसा लगा के अगर अपने घर को थोड़ा सा खूबसूरत बनाने की कोशिश की थी तो इलाका के गार्ड साहब ने भी उनसे नज़र और नियाज लेना जो है वो नहीं छोड़ा है। हम आपको ये बताएंगे, ये सेंटर का पोल जो है वो भी बताएंगे आखिर में कि देखिए कि तारे जो है वो नीचे ज़मीन की तरफ लटक रही है, लेकिन इलाका के लोगों को यहाँ पे पूरी तरह बिजली का जो सहूलियात देनी थी वो भी नहीं है। तो सियासतदानों के साथ साथ मुतलका सरपंच व ज़िला इंतजामिया राजौरी से सवाल है कि अगर मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर इंतजामिया पैसे लोगों की फलाह बहबूद के लिए तरक्याती कामों के लिए दे रही है तो क्या ज़िला राजौरी के केवल पंचायत कंगोट अपर वार्ड नंबर 8 के लिए सरकार के पास एक पैसा नहीं था? क्या इलाका की लोगों की डेवलपमेंट नहीं हो सकती? क्या इलाका में कोई स्कूली अदारा जो है वो तालीमी अदारा नहीं बन सकता है? क्या यहाँ पे जो यहाँ पे स्कूल की बात करें, यहाँ पे दूसरे सेहत की बात करें तो उसके लिए यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाना ज़रूरी नहीं था? क्या अब इस खबर के देखने के बाद इंतजामिया इस इलाका के ऊपर तवज्जो देगी?